एक्शन बहुत शानदार होने वाला है, तो भी आप देखिएगा। देखें ये आ गई 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम, अदनान काजी आपके साथ है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं डिग रोड पर और आज हम जा रहे हैं रेल फैनिंग के लिए धाबे जी, और धाबे जी पे हम आपको दिखाएंगे ट्रेनों का फास्ट एक्शन। देखें धाबे जी अपना शशराती रक्षा आ गई है, इसमें हम जाएंगे धाबे जी, और धाबे जी जाके आपको दिखाएंगे फास्ट एक्शन ट्रेनों का, लास्ट में आप देखिएगा। चलिए हमारे साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से 60 किलोमीटर दूर धाबे जी का ये स्टेशन है, और आज यहाँ पर काफ़ी रेल फैन भी आए हुए हैं जो अपनी रेल फैनिंग करेंगे। तो चलें फिर अपना नीचे उतरते हैं तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। कितना गैप है देखें, वो कितनी परेशानी होती है देखें लोगों को उतरने में, तकरीबन 2.5 फीट का गैप है, इतना गैप नहीं होना चाहिए मैं ये कहता हूँ। ये देखें आप प्लेटफॉर्म से तकरीबन है ना 10 इंच का फासला होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तकरीबन 2.5 फीट का गैप है। कोई भी बुज़ुर्ग या कोई भी खवातीन हजरात उनको उतरने में काफ़ी मसला आता है। तो देखिए ये है धाबे जी, और यहाँ पर होते हैं फास्ट एक्शन, और सिर्फ यहाँ पर 1-2 ट्रेनों का ही स्टाफ होता है जिसमें शरतीफ है और यहाँ से चलती है। इसके बाद सामने से हो रहा है स्पीड एक्शन, अब नाम कौन सा है ये मुझे नहीं पता, और काफ़ी स्पीडी एक्शन देखने को मिलेगा।
एक तरफ जा रही है भाई शरदीप एक्सप्रेस, और आज हम बिल्कुल टाइम पे पहुँचे हैं इससे। जैसे मैंने कहा था, हम ढाबे जी पहुँचेंगे और हमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज होगी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रेलफेनिंग। दोस्तों इस वक्त मौजूद हूँ मैं ढाबे जी पे और एक और एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए मेरे सामने गाड़ी खड़ी है मेहरान एक्सप्रेस, और बिल्कुल पीछे से देखें तेजगाम आ रही है। 18 डाउन तेजगाम एक्सप्रेस तकरीबन 101 से लेके 105 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये गाड़ी आ रही है, और अभी ये यहाँ से ढाबे जी से क्रॉस करेगी अपनी भरपूर स्पीड में। आपको ये एक्शन देखने को मिलेगा, ये देखें। नाइस एक्शन। मेहरान एक्सप्रेस को ओवरटेक करने के बाद तेजगाम चली गई, लेकिन अब मेहरान एक्सप्रेस लूप लाइन से दोबारा मेन लाइन पे आ रही है। आप देखें H216 HGMU। कराकरम एक्सप्रेस इस वक्त ढाबे जी से है। देखिए 47 है रहमान बाबा एक्सप्रेस इस वक्त आ रही है ढाबे जी की तरफ, और आज इसमें लगा हुआ है GMU, और कौन सा है देखते हैं लोकोमोटिव। मैं मौजूद हूँ ढाबे जी पे और हम वेट कर रहे हैं 16 डाउन कराची एक्सप्रेस, जो तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आ रही है, और आज आपको दिखाते हैं स्पीड एक्शन। आज लगा हुआ है इसके ऊपर GU40, ये देखें काफ़ी अच्छी स्पीड से जा रही है गाड़ी।
हमारी 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस और फुल स्पीड के अंदर आ रही है और सिर्फ 5 मिनट डिले है, तो इस पर गुजरेगी धाबे जी से। ये एक्शन आप लाजमी देखिएगा और ट्रेनों के एक्शन भी आप देखिएगा। मालगाड़ी जा रही है, मालगाड़ी जैसे ही गुजरेगी तो ग्रीन लाइन, न्यू चाइनीज ग्रीन लाइन आ जाएगी यहाँ पर और बड़ा शानदार एक्शन देखने को मिलेगा। सिक्स डाउन न्यू चाइनीज ग्रीन लाइन इस वक्त गुजर रही है धाबे जी रेलवे स्टेशन, बहुत ही फास्ट एक्शन देखने को मिल रहा है, ये आप देखें। एट डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस 102 से एकदम 80 पे आ गए। अब देखते हैं कि हमारे पास से जब गुजरते हैं तो इनकी स्पीड क्या होती है। अस्सलाम वालेकुम, अदनान गाजी आपके साथ है कि एक और शूट होने वाला है। ये है कराकरम 41 अप कराकरम एक्सप्रेस जो निकली है कराची से आज आधा घंटा तकरीबन 40 मिनट लेट है, वो यहाँ से तकरीबन 110 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से पास करेगी। और अभी ये स्टेशन है धाबे जी, इससे पहले भी काफ़ी एक्शन आपको देखने को मिले हैं लेकिन ये एक्शन बहुत शानदार होने वाला है, तो अभी आप देखिएगा। स्पीडी एक्शन के बाद अभी आपको दिखाता हूँ एक नया एक्शन, वो ये होगा 9 अप अलामा इकबाल एक्सप्रेस जो अभी यहाँ से अपने फुल रफ्तार से गुजरेगी, लाजमी देखिएगा। आ गई 33 अप पार्क बिजनेस एक्सप्रेस। कराची एक्सप्रेस इस वक्त आ रही है
और बहुत ही रफ्तार में आ रही है, आप स्पीड देख सकते हैं। अब मेहरान एक्सप्रेस इस वक्त आ रही है और मुसाफिर देखें काफ़ी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। अभी इसका स्टॉप होगा यहाँ पर, उसके बाद निकलेगी फास्ट एक्शन मिलत एक्सप्रेस। काफ़ी सारे एक्शन देखने के बाद अब एक ऐसा एक्शन होगा जो होगा मिलत एक्सप्रेस का 17 अप। मिलत एक्सप्रेस अभी गुजरेगी दाबेजी से और अभी बहुत ही अच्छा और फास्ट एक्शन देखने को मिलेगा आपको, वो भी देखिएगा। मिलत एक्सप्रेस देखें आ गई है और आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छी स्पीड इसकी भी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतनी स्पीड पर नहीं है, थोड़ी स्लो है। एक भाई देखें क्रॉस कर रहे हैं, स्लो स्पीड पर गुजरेगी यहाँ से क्योंकि आगे गई है मेहरान एक्सप्रेस, इसलिए मिलत एक्सप्रेस को यहाँ पे रोक दिया है शायद। ये एक्शन थोड़ा सा ख़राब इसलिए हो गया कि गाड़ी को रोक दिया गया, लेकिन ये गाड़ी रुकी है, लोगों ने नमाज़ के लिए खड़े हो गए लेकिन दोबारा चढ़ गए। भाई स्टॉप नहीं था कि आप नमाज़ के लिए खड़े हो रहे हो। दाबेजी पर काफ़ी ट्रेनों को कैप्चर किया और उनकी स्पीड वगैरह, और जो भी मतलब कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो स्पीड में नहीं गई, लेकिन सबसे अच्छी ट्रेन जो रही वो हमारी रही 6 डाउन ग्रीन लाइन, जिसमें हम आए थे कल
आज भी इसने तकरीबन 110 के करीब करीब स्पीड मेंटेन की इस रूट के ऊपर और टाइम पर गया। कल 40 मिनट लेट था लेकिन आज ये ग्रीन लाइन टाइम पर पहुंची। और ये वीडियो इसलिए बनाई कि मेरा पहला ये एक्सपीरियंस था धाबी जी पर फास्ट एक्शन को कवर करना। अगर ये अच्छा लगे तो आप ज़रूर उसको लाइक करें, शेयर करें, जो लोग नए चैनल के ऊपर वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।